2024 का चुनाव और देश प्रदेश में नेताओं द्वारा किया गया चुनाव का शंखनाद। सर्दी हो या कोहरा हो, मगर राजनीति की तपिश से कांग्रेस और भाजपा की होने जा रही टक्कर को देखते हुए लोगों के चेहरों पर पसीना देखा जा सकता है। एक और देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो हरियाणा प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की आहट ने पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की राह भी इस बार किसी रण के मैदान की जीत से कम नजर नहीं आ रही। बात करें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, तो अभी टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन तो नहीं है और ना ही कोई सीना तान कर टिकट मांग रहा है, मगर कांग्रेस नेता अनूप मलिक ने यह हिम्मत दिखाई और रविवार को अपने गांव सरकथल से वे चुनावी रथ की कमान लेकर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुडा को जितवाने के लिए निकल पड़े हैं। हवन यज्ञ के साथ चुनावी जंग जीत के लिए उन्होंने बाबा भलेगिरी और ग्रामीणों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उनके परिजन भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। मकर संक्रांति का दिन है, बहुत ठंड है, लेकिन इस ठंड में हरियाणा की राजनीति और हिंदुस्तान की राजनीति की तपिश ऐसी है कि पसीना पसीना हो गए हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा में सोनीपत लोकसभा सीट की जीत को लेकर सरकथल गाँव के अनूप मलिक, जो FCI के पूर्व में मेंबर भी रहे और भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी रहे, एक रथ लेकर निकले हैं कांग्रेस पार्टी प्रचार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम मतलब समय बहुत कम बचा हुआ है और ये लंबे टाइम से इस रथ को लेकर मेहनत कर रहे थे और इनकी मेहनत आज कामयाबी होगी। वैसे तो इन्होंने अनूप भाई, आपने 7 जनवरी ने भूपेंद्र हुड्डा ने आपके रथ को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन इनका ये मानना था कि गाँव के आशीर्वाद के बगैर इस रथ को चलाना संभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो आज इन्होंने अपने इस गांव में हवन के साथ शुरुआत की है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इस रथ की क्या मतलब सिचुएशन है, क्या इससे को लेके एक मैसेज देंगे। अनूप भाई, सबसे पहले तो आज आपको मतलब मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और मैं ये रथ देख रही थी, इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, ये क्या प्रोग्राम है आपका? सबसे पहले मैं जगत मोहन का स्वागत करता हूँ जी। गांव में सरकल में इतनी सर्दी में आप आए हो, सारे मीडिया वालों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और भलेगर महाराज जी यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका आशीर्वाद मिला है, भगवान की कृपा होगी, बढ़िया अच्छा भगवान कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हमने 7 जनवरी को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसको चलाकर हरी झंडी दिखा के थे, और हम पूरी लोकसभा में 9 विधानसभा में इसका प्रचार करेंगे, 36 बरादरी तक हर घर में इसका प्रचार लेके जाएंगे। तो एक तरह से मैं अगर मानूं अनूप, तो ये लोकसभा की तैयारी है। हाँ, यहाँ कांग्रेस पार्टी जो अपना पूरे प्रदेश में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी ही आएंगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में, उदयवान जी की और दीपेंद्र हुड्डा की। जो दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा में संघर्ष किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा गए, उनका ये मेहनत का फल है, इसीलिए 10 की 10 सीट यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आई। मतलब इनका ये कहना है शुरुआत जो सोनीपत से हुई उसका प्रभाव बाकी 9 सीटों पे भी पड़ने जा रहा है। हाँ, 9 की 9 सीटों पर सोनीपत में जो प्रचार करेंगे वो पूरी की पूरी हरियाणा स्टेट में प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि मतलब पूरे देश में देखो आप राम ही राम मेरे राम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा जो प्रचार, उस प्रचार की टक्कर देने के लिए क्या अनूप मलिक का रथ काफी है? राम तो सबके लिए बहन जी, सबके लिए एक समान होता है। राम तो कांग्रेस पार्टी ने है, जो मंदिर बनाने लग रहे हैं वहाँ पर, उसकी जो है राजीव गांधी ने वह नीम टेकी थी, और हम जो अभी कार्यक्रम करते हैं भगवान का राम का नाम लेकर, जैसे हल जोतते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं या कोई नई गाड़ी लाते हैं, कहते हैं ले भाई राम का नाम। हाँ, तो ये सब राम गया, तो पूरी 36 बरादरी का एक है राम। अच्छा अनूप, एक बात और है, मैं जैसे लगातार देख रही हूँ आपके रथ को लेकर कई दिन से चर्चा है, क्योंकि 7 तारीख को ये शुरू हो गया था, तो क्या लगता है मतलब जब गाँव में जाओगे आप, जो ये नीतियाँ आपने लिखी है, जो सरकार ने आपकी 10 साल की सरकार की उसने जो काम किए थे और करने हैं, इन कामों को लेकर आप गांव में आपके लोकसभा जितने भी 9 विधानसभा क्षेत्र हैं कैसे प्रचार करेंगे, क्या अनूप पूरा टाइम इस रथ में रहेंगे? हम पूरा टाइम इसमें
24 घंटे में 20 घंटे रथ के ऊपर ही देंगे और 36 बरादरी में जाएंगे, हर घर तक इसका प्रचार रथ के द्वारा पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने हर बुजुर्ग के लिए 6,000 रुपये महीना पेंशन देंगे, गृहणियों को 500 रुपये सिलेंडर देंगे, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, नौजवानों को 2,00,000 सरकारी नौकरी देंगे, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो ये जब आपका रथ घूमता रहेगा, बीच में क्या बड़े नेताओं का भी आना जाना लगा रहेगा आपका हौसला बढ़ाने के लिए? हाँ, बीच में जैसे जैसे कल जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह उड़ाने लग रहे हैं, वहाँ पर भी रथ को वो भी अपना पूरे उसमें जन जन तक के कांग्रेस घर घर में कांग्रेस वहाँ का अभी वहाँ से शुभारम्भ करने लग रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र वहाँ पर भी पहुंचे। तो ये अनूप मलिक का एक जोश देखा जा सकता है और मैं दिखा रही थी अपने कैमरे से कि गांव इनके साथ है। कहते हैं कि राजनीति में जब तक गांव साथ नहीं देता तब तक ये आगे बढ़ना इस काफिले को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण भी मेरे साथ है, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? एक सरपंच है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह, आज भाई आपके गांव से अनूप है ना, ये देख रहे हो ये प्रचार, ये रेला लेके चल पड़ा, क्या लगता है? कैमरे की तरफ करके बताए आप। ये अनूप आज से नहीं सक्रिय है, काफी नजदीक है मेरा। अच्छा जी, दो ये बात कहता है, पूरा करने की पूरी कोशिश की और सारा गांव इसके साथ है। यदि एम पी के टिकट मिलती है तो गाँव यानी कि छोटी सरकार। एमपी की टिकट की तैयारी अनूप की हो ना हो, लेकिन ग्रामीणों को उम्मीद है कि टिकट मिलेगी और ये जीतेंगे। एकमात्र महिला नेत्री आई है मदीना से स्पेशल, रेखा। रेखा के बारे में वैसे तो सब जानते ही हैं, इनको ज़्यादा मेरे ख्याल में पहचान करने की अनूप नहीं है, लेकिन आपके लिए ये आपकी भाभी भी लगती है और स्पेशल उठ के आए हैं। रेखा, आज अनूप मलिक ने शुरुआत की और आप बड़ी हैं, आप आशीर्वाद देने आए। तो लोग अनूप एक और है, मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जब भी यह रथ हमारे हल्के में आएगा, हमारे गांव में आएगा, हम स्वागत करेंगे। बहन जी, ऐसा है, हमने पहले भी हम 6 महीने से लग रहे हैं कुलदीप शर्मा जी है, जयवीर वाल्मीकि है, हर उनमें सारे के सारे विधायक है, इंदुराज बालू है, जगवीर मलिक है या सुभाष गांगुली है, सारे के सारे विधायक जी पूरे उसमें लगेंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा का और यह पूरा साथ देगी कांग्रेस पार्टी, एक छोटा है वर्कर से ले गए और ऊपर बड़े बड़े पड़े। कंवर सिंह भी हमारे साथ है, युवा नेता है, बहुत जोश है इनके अंदर। सबसे पहले तो बुरा साहब के सिपाही जो नेता बुरा साहब के साथ खड़े रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के बहुत ही करीबी अनूप मलिक जी को ये रथ चलाने में जो रथ की शुरुआत की उसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर यानी पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सोनीपत लोकसभा से मैं हुड्डा साहब से भी प्रार्थना करता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व से भी प्रार्थना करता हूँ कि अनूप मलिक जी को इस बार मौका दें और सोनीपत लोकसभा के अंदर बदलाव होने जा रहा है। युवा एक अनूप मलिक युवा चेहरा है जो जिसकी देश को बहुत जरूरत है। ये पहली बार देख रहे हैं कि पार्टी ने अभी किसी चेहरे को तय नहीं किया है, लेकिन ग्रामीणों ने और युवाओं ने महिलाओं ने एक आवाज आई कि अनूप मलिक हमारे साथ हो। ये अंकल जी बैठे हैं, मैं इनसे बात करूँ। अंकल, आज अनूप ने आपके गांव से रथ शुरू कर दिया, क्या लगता है? आप सभी से अनुरोध है, बाकी जितने भी भाई खड़े हैं वो कुर्सियां। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।